आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। अक्सर आपने किसी माँ बाप के द्वारा या परिवार के द्वारा बेटी की कामना करते देखा या सुना होगा, लेकिन जब भी कोई बेटी पैदा होती है या किसी घर में बहू जाती है तब परिवार में इतनी खुशी नहीं होती जितना बेटे को लेकर होती है। और ख़ासकर अगर बेटी की विदाई की बात की जाए तो पुरानी परंपराओं के अनुसार बेटियों को डोली में विदा तो किया जाता था, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपकी भी मन को खुश कर देगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि बिहार के छपरा ज़िले के एक परिवार ने जन्मी एक बेटी के लिए कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल उस परिवार में 45 सालों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया। परिवार में इतनी खुशी देखी गई कि बेटी को अस्पताल से घर तक डोली में बिठाकर लाया गया। दरअसल छपरा में खानदान में 45 साल के लंबे अंतराल के बाद बेटी का जन्म हुआ तो पूरा परिवार झूम उठा। नन्ही बिटिया रानी को अस्पताल से घर लाने के लिए डोली सजाई गई और बैंड बाजों का इंतजाम किया गया। महिलाएं स्वागत में मंगल गीत गाती रहीं तो अन्य परिवार के जन ढोल ताशों के धुन पर थिरकते रहे। जिसने भी इस जश्न की हकीकत जानी उसका मन भी प्रफुल्लित हो गया। दरअसल एकमा नगर पंचायत क्षेत्र के शिवजी प्रसाद के पुत्र धीरज गुप्ता की पत्नी ने एकमा में एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा होने पर परिजनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजन नन्ही बिटिया को पालकी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ घर लाए। अब उस परिवार के सदस्य का क्या कुछ कहना है, कैसे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, आप उनकी बातों को भी सुनिए। धीरज कुमार गुप्ता, ये बच्ची हुई है तो आपका कितने वर्ष की बात है? ये तो लगभग 45 वर्ष के बाद हमारे परिवार में 45 वर्ष के बाद बच्ची आई है। आपके कई भाई आप लोग? हम लोग चार भाई हैं, ठीक है, और हम तीन नंबर हैं। और मतलब तीन भाई हैं तो आपको बच्चा कैसे है? हमारे बड़े भैया का 3 लड़के हैं, ठीक है, और 2 नंबर का 1 लड़के हैं। हमारा भी 1 बाबू है 3 बरस का। उसके बाद ये लक्ष्मी जी का वास हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, भगवान की कृपा है। क्या नाम है आपकी जो लड़की पैदा कब हुई थी आपको? 14 तारीख को। कब? जुलाई में। 14 जुलाई सावन का पहला दिन। उसके बाद से जब घर लाए हैं तो उसके डोली पे? जी जी, परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है, इसीलिए हम लोग भी कुछ हट कर किए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से। तो आपके घर में काफ़ी माहौल है? हर जगह खुशी है, घर पर ही नहीं पूरे रिलेशन में भी खुशी का माहौल है। तो जैसा कि आपने सुना, बेटी पैदा होने से खुश पिता ने अस्पताल से अपनी बेटी को घर लाने के लिए एम्बुलेंस के बजाय डोली सजाई। इस परिवार में बेटी का आगमन 45 सालों के बाद हुआ। इससे यह परिवार इतना खुश हुआ कि अस्पताल में नोटों की बारिश कर दी गई। सभी कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया गया। परिजनों ने गांव में मिठाइयां बांटी और जब बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसे डोली में बिठाकर घर लाया गया। यह अद्भुत मामला एकमा नगर पंचायत क्षेत्र का है। धीरज गुप्ता के बड़े भाई बबलू गुप्ता ने बताया है कि हम चार भाइयों में किसी को बेटी नहीं थी। परिवार में बेटी का जन्म हो इसके लिए हर कोई तरस रहा था। बबलू ने आगे बताया कि उनके परिवार में करीब 45 वर्षों के बाद बेटी ने जन्म लिया है। उधर धीरज के पिता और नन्ही बिटिया के दादा शिवजी प्रसाद ने बताया कि बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज जब बेटियों को समाज में उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है तो इस परिवार की खुशी को आप समझ सकते हैं जिसने 45 साल तक अपने परिवार में बेटी के आगमन का इंतजार किया है। तो ये मामला बिहार के छपरा जिले से सामने आया है, जहां पर एक खानदान में 45 सालों के बाद एक बेटी का आगमन हुआ और उससे परिवार वाले इतने खुश थे कि पहले उन्होंने अस्पताल में मिठाइयां बांटी, नोटों की बारिश की, इतना ही नहीं पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और उस बेटी के पिता ने अपनी बेटी को अस्पताल से घर लाने के लिए कोई और माध्यम नहीं चुना, बल्कि जहाँ बेटियों को डोली में बिठाकर घर से विदा किया जाता है तो वहीं इस पिता ने अपनी बेटी का स्वागत डोली में किया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है, ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।